जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। रामनगर में एनएसयूआई राष्ट्रीय प्रवक्ता व राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद हाशिम के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रामनगर कांग्रेस कार्यालय में सर्वप्रथम चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रंजीत रावत ने कहा कि जैसा कि बॉर्डर पर हमारे सैनिक शहीद होने की खबर आ रही है, यह बिल्कुल घृणित कृत्य है, निंदनीय कृत्य है। उन्होंने कहा कि चीन जानता है कि आज उसे दुनिया में घृणा की नजर से देखा जा रहा है। चीन को आज कोरोना महामारी के जनक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वह ऐसा कृत्य कर रहा है। पर दूसरी तरफ जो लोग विपक्ष में रहते हुए कहते थे कि चीन के साथ लाल आप दिखाकर बात करनी चाहिए, उनकी आंखें पता नहीं लाल कब होंगी, कब 56 इंच के सीने में गर्मी पैदा होगी, वे लाल आंखें करके आखिर कब दिखाएंगे, क्योंकि इस समय पूरा देश उनके साथ खड़ा है, एकजुट है और चीन के खिलाफ कार्यवाही भी चाहता है। हम इंतजार में हैं कि कब 56 इंच अपने लाल आंखें दिखाएगा और चीन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। पुतला दहन करने में ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत, अनिल अग्रवाल खुलासा, भोपाल अधिकारी वीरेंद्र लटवाल, अतुल अग्रवाल, ताइफ खान, महेश पांडे, बाबर खान, नजाकत अली, अमित चंद्रा, मोइन खान, अफाक हुसैन, जावेद खान, मोहम्मद रजा, रवि ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। क्या है पूरा मामला और किस तरह से चीन लगातार गड़बड़ कर रहा है? देखिए, चीन ने पहले डोकलाम में जो जमीन पे भारत का कब्जा था, भूटान की जमीन थी, उसको कब्जाया। अरुणाचल में बार बार घुसपैठ कर रहा है, उत्तराखंड के बॉर्डर पे गड़बड़ कर रहा है और आज कई बार लद्दाख में घुसपैठ करने के बाद इस बार उसने जो है हमारे सैनिकों के खिलाफ जो है गोलीबारी की है और उसमें हमारे 20 सैनिकों के हताहत होने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की मिसिंग बताई जा रही है। जो सूत्रों से खबर आप लोगों के माध्यम से मिल रही है कि बहुत सारे लोग अभी सेना के मिसिंग हैं। आज भी खबर आई है कि उस एरिए में हमारे सैनिकों के शवों को टुकड़े टुकड़े में जो है फेंक दिया गया है, सत विक्षिप्त जिसे कहते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कृत्य जो है चीन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज चीन दुनिया में कोरोना महामारी के जनक के रूप में देखा जा रहा है, दुनिया के लोग उसे घृणा कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ घुस रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि उसके बाद भी जो लोग कहते थे चीन को लाल आंख दिखा करके बात करनी चाहिए, वो पता नहीं उनकी आंख कब लाल होगी। हम उसके इंतज़ार में हैं कि क्या पता वो 56 इंच के सीने की आंखें लाल हो जाएं किसी दिन और चीन इस दुनिया के नक्शे से मिट जाए, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं।